हमारा आज का टॉपिक है बोन ट्यूमर्स। ठीक है, बोन ट्यूमर्स आर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी बोन ट्यूमर्स एंड सेकेंडरी बोन ट्यूमर्स। प्राइमरी बोन ट्यूमर्स वो होते हैं जो कि प्राइमरीली बोन से ही ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, जिनका ओरिजिन होता है वो बोन के टिश्यू से ही हो रहा होता है, बोन के किसी सेल से ही हो रहा होता है। सेकेंडरी बोन ट्यूमर्स जो होते हैं वो किसी और जगह से मेटास्टेसाइज करके बोन तक पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ लंग कार्सिनोमा, इन केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, इन केस ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा, इन केस ऑफ प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा, ठीक है ना, वहाँ से मेटास्टेसाइज करके रीनल सेल कार्सिनोमा, वो जो मेटास्टेसिस के बाद अगर बोन तक पहुंचे उनको सेकेंडरी बोन ट्यूमर हो। और जो बोन से ही ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, जिनकी प्राइमरी साइट ऑफ ओरिजिन बोन होती है, उसको प्राइमरी बोन ट्यूमर का नाम देते हैं। मोस्ट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल सेल ऑफ ओरिजिन एंड अपेरेंट पैटर्न ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, मोस्टली जो नॉर्मली हम क्लासीफाई करते हैं वो उनके सेल ऑफ ओरिजिन से उनको करते हैं कि किस सेल से ओरिजिनेट हो रहे हैं, और उसके अलावा उनका पैटर्न ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है, उसमें कौन से सेल्स में वो प्रोमिनेंट हैं। ठीक है, प्राइमरी बोन ट्यूमर्स प्राइमरीली जो बोन से ओरिजिनेट हो रहे हैं हम उनकी बात करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी ट्यूमर्स इन्वॉल्विंग द बोन, इनका साइट ऑफ ओरिजिन जो है वो बोन है, हिस्टोलॉजिक टाइप है, बिनाइन टाइप्स हैं, और उसके अलावा मैलिग्नेंट टाइप। हिस्टोलॉजिक में हम हेमेटोपोइटिक बोन ट्यूमर जो है वो हो सकता है 40%। उसके बाद है कोंड्रोजेनिक, कोंड्रोजेनिक होता है, हेमेटोपोइटिक है जो ब्लड सेल्स से रिलेटेड हो, जैसे कोंड्रोजेनिक हेमेटोपोइटिक होते हैं। कोंड्रोजेनिक होता है जो कार्टिलेज से रिलेटेड हो, ये ऑलमोस्ट 22% है हिस्टोलॉजिक टाइप में। उसके बाद है ऑस्टियोजेनिक, ऑस्टियोजेनिक मीन्स जो बोन के सेल से ओरिजिनेट हो रहा है, बोन में बोन मैरो होता है, बोन मैरो में हेमेटोपोइटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, उनमें से अगर ट्यूमर ओरिजिनेट हो रहा है उसको हेमेटोपोइटिक इन ओरिजिन बोलेंगे। अगर वहाँ पे जो कार्टिलेज है उससे हो रहा है ओरिजिनेट, उसको हम कोंड्रोजेनिक बोलेंगे। अगर बोन के सेल से ओरिजिनेट हो रहा है उसको ऑस्टियोजेनिक बोलेंगे। अननोन ओरिजिन 10% हो सकता है, हिस्टियोसाइटिक ओरिजिन। उसके अलावा फाइब्रोजेनिक, फाइब्रस टिश्यू से जो ओरिजिनेट हो रहा है, नोटोकॉर्डल और वस्कुलर, ठीक है, या नोटोकॉर्डल जो सेल्स हैं उन सेल से ओरिजिनेट हो रहा है या वेसल से ओरिजिनेट हो रहा है, ये हिस्टोलॉजिक टाइप्स हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। उसके बाद बात करते हैं बिनाइन ट्यूमर्स की और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। बिनाइन ट्यूमर में है ऑस्टियोकोंड्रोमा, उसके बाद है कोंड्रोमा, कोंड्रोब्लास्टोमा, कोंड्रोमिक्सोइड फाइब्रोमा, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, ऑस्टियोब्लास्टोमा, जेंट सेल ट्यूमर, फाइब्रस हिस्टियोसाइटोमा, मेटाफाइजियल फाइब्रस डिफेक्ट जिसको फाइब्रोमा के नाम से भी जानते हैं, एंड हीम एंजियोमा। ये बिनाइन ट्यूमर्स हैं। मैलिग्नेंट में है माइलोमा, मैलिग्नेंट लिम्फोमा, कोंड्रोसार्कोमा, डिफरेंशिएटेड कोंड्रोसार्कोमा, मेसेनकाइमल कोंड्रोसार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा। उसके बाद ट्यूमर्स में है जेंट सेल ट्यूमर, एडमेंटिनोमा, उसके बाद मैलिग्नेंट फाइब्रोस, हिस्टियोसाइटोमा, डिस्मोप्लास्टिक फाइब्रोमा, ठीक है। उसके बाद है फाइब्रोसार्कोमा, कोंड्रोमा, हीम एनजियो जी। हीम एनजियो एंडोथेलियोमा, ठीक है, ये मैलिग्नेंट साइट्स है जो कि आगे बॉडी के दूसरे पार्ट्स में भी फैल सकता है, मैलिग्नेंट हो सकता है, ठीक है। बिनाइन जो है वो जिस जगह पे है उसी जगह पे ग्रो करेगा, लेकिन उस जगह से आगे बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसमें नहीं जाएगा। बिनाइन और मैलिग्नेंट में ये डिफरेंस है। प्राइमरी बोन ट्यूमर्स को आगे हम क्लासिफाई करते हैं बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स, कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर, मिसलिनियस ट्यूमर्स एंड मेटोपोइटिक ट्यूमर्स। बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स जो हैं जो बोन की फॉर्मेशन करवाएंगे, ठीक है, कौन से हो सकते हैं, ऑस्टियोमा हो सकता है, ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा हो सकता है, ऑस्टियोब्लास्टोमा हो सकता है, और ऑस्टियोसार्कोमा।
ये बोन फॉर्मिंग ट्यूमर है, इन्होंने क्या करना है कि बोन को ग्रो करना है, एबनॉर्मली ग्रो करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर, जिन्होंने एबनॉर्मल कार्टिलेज की फॉर्मेशन करवानी है, कौन सा हो सकता है, कोंड्रोमा हो सकता है, ऑस्टियोकोंड्रोमा हो सकता है और कोंड्रोसार्कोमा हो सकता है। ये हैं कार्टिलेज के ट्यूमर्स जो कार्टिलेज की फॉर्मेशन करवाएंगे, एबनॉर्मल कार्टिलेज इसमें फॉर्मेशन होगी। उसके बाद है मिसलेनियस ट्यूमर्स, इसके अलावा कौन से ट्यूमर्स हो सकते हैं, इविंग्स सार्कोमा। उसके बाद है जेंट सेल ट्यूमर ऑफ द बोन, हेमेटोपोइटिक यानी के बोन के अंदर क्या होता है, बोन मैरो होता है, बोन मैरो में आरबीसीज और जो दूसरे रेड जो ब्लड सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन हो रही होती है, उन ब्लड सेल्स का अगर कोई ट्यूमर हो तो उसको हेमेटोपोइटिक ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है। उसमें जो कॉमन है वो कौन सा है, मल्टीपल माइलोमा। अब इनकी बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास बोन फॉर्मिंग ट्यूमर हैं ओस्टियोमा। ओस्टियोमास आर बेनाइन लीजंस ऑफ बोन that in many cases represent developmental abrasions or reactive growths rather than true neoplasm. Osteoma जो है ये एक benign lesion है, ठीक है, ये एक benign tumor जो कि क्या करता है कि एक abnormal growth को show करेगा, reactive growth को show करेगा rather than true neoplasm, ठीक है। ये true neoplasm नहीं होता, neoplasm metastatic होता है जो आगे body के दूसरे parts में आगे स्प्रेड होगा, ठीक है। ये एक बिनाइन ट्यूमर होगा जो कि बिनाइन उसी जगह पर रह के ग्रो करेगा। साइट इसकी क्या हो सकती है, टिपिकली स्कल हो सकता है, स्कल के अंदर ये आपको मिल सकता है, फेस मोस्ट कॉमन, ये दो जो साइट्स हैं स्कल और फेस ये ज़्यादा कॉमन है। उसके अलावा कैन ऑब्स्ट्रक्ट द नोज और साइनसेस, अगर ये नेजल कैविटी की जो बोन्स हैं उसमें किसी में ये ओस्टियोमा हुआ है तो ये नोज को स्ट्रक कर सकता है, नोज को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। उसके अलावा अगर ये किसी एयर साइनस में डेवलप हो गया, पैरानेजल एयर साइनसेस जो हैं उनमें अगर डेवलप हो गया तो उनको स्टक कर सकता है, ठीक है। ये इसकी टिपिकल कॉमन साइट्स हैं स्कल और फेस। किस एज में ये कॉमन है, मिडल एज जो पर्सन हैं अबाउ 35, ठीक है, 30 to 35, 45 to 50 तक होते हैं उनमें ये कॉमन है। एक्सरे टू बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम रिएक्टिव बोन कैन बी डिफिकल्ट, ठीक है, एक्सरे की मदद से इसको डिफ्रेंशिएट करना कि ये बेनाइन है या मैलिग्नेंट है, मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म है, ये डिफिकल्ट है, ठीक है, ये इतना ईजी नहीं है। ये देखिए ये एक आपको ग्रोथ एबनॉर्मल ग्रोथ नज़र आ रही है, ये ऑलमोस्ट इसने क्या किया हुआ है, नोज को ऑब्स्ट्रक्ट किया हुआ होगा, ठीक है। उसके अलावा इस जगह पे जो पैरानेजल साइनसेज हैं, पैरानेजल साइनस एक या दो, उसको उसने ऑब्स्ट्रक्ट किया होगा, इतना बड़ा मास पड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखिए एक इस जगह पे स्कल में एक बताया गया, ये भी स्कल के अंदर आपको बताया गया। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है ओस्टियोमा के बाद ओस्टियोइड ओस्टियोमा। ओस्टियोइड ओस्टियोमा क्या है, बिनाइन बोन फॉर्मिंग ट्यूमर, ये भी एक बिनाइन ट्यूमर है। साइट इसकी क्या है, टिपिकली इन्वॉल्व्स अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन अपेंडिजेस को करेगा। अकर्स इन मेटाफाइसिस ऑफ द बोन, यानी कि मेटाफाइसिस और डायफाइसिस, यानी कि जो बोन का मिडल शाफ्ट होती है उसको और जो एपिफाइसियल ग्रोथ प्लेट होती है उस जगह का जो एरिया है जिसको मेटाफाइसिस का नाम देते हैं, इन दो एरियाज को ये इन्वॉल्व करता है, ठीक है, मेट डायफाइसिस को इन्वॉल्व करेगा। एज यंग पेशेंट्स लेस देन 25 ईयर, जो पेशेंट होगा ये यंग पेशेंट्स को ज़्यादा टारगेट करेंगे, मेल्स मोर देन फीमेल्स, ठीक है, मेल्स के अंदर ये ज़्यादा कॉमन है ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा। रेडियोग्राफी अगर हम करेंगे तो उसमें हमें क्या नज़र आएगा, मैस ऑफ डेंस ओरिजन, ठीक है, एक डेंस मैस नज़र आएगा जिसको हम बोलते हैं नाइडस फॉर्मेशन। रिएक्टिव रिम ऑफ स्क्लेरोटिक बोन बिनाइन, ठीक है, उसके इर्द गिर्द हमें एक रिम नजर आएगा जिसको स्क्लेरोटिक बोन का नाम देते हैं, स्क्लेरोसिस हुई होगी, हाइपर डेंस वाइट कलर का हमको एक रिम नजर आएगा, ठीक है, बिनाइन लीजन होगी। इंड्यूसेस अ मार्क्ड बोनी रिएक्शन, ठीक है, और उसकी वजह से एक मार्क्ड बोनी रिएक्शन में जो है वो थोड़ा शो होगा रेडियोग्राफ के ऊपर, एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इसका जो डायमीटर होगा कम से कम 2 सेंटीमीटर, क्लियर है।
आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी रेडियोग्राफ के अंदर, वो आप लोगों को समझ आ गई? नाइडस फॉर्मेशन क्या चीज है? जी सर आ गई। उसके बाद है क्लिनिकली, हम अगर इसको एग्जामिन करते हैं तो क्लिनिकली हम क्या चीज इसमें देखेंगे, क्या चीज फील करेंगे? बोन पेन होगी, ठीक है। पेशेंट जो है वो पेन की कंप्लेन करेगा, स्पेशली नाइट पेन, रात के टाइम पे जो पेन है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, विद एक्सीलेंट रिलीफ विद एनसीड्स। और इसका एक साइन क्या है कि अगर पेशेंट को हम एनसीड्स देते हैं, ठीक है, जिसमें कौन सी डाइक्लोरान आ जाती है, ठीक है, पैरास्टामोल आ जाती है, एस्प्रिन आ जाती है, ठीक है, आइबोप्रोफेन आ जाती है, जब पेशेंट को हम एनसीड्स देंगे तो एनसीड्स से पेशेंट की जो पेन होगी उसमें कमी आएगी, पेशेंट की पेन जो होगी वो रिलीफ हो जाएगी। बोन पेन होगी स्पेशली एट नाइट टाइम, विच विल रिलीव विद एनसीड्स, अदरवाइज ट्रीट विद रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, यानी कि रेडिएशन की मदद से हम उस एरिया को डेड करवा देते हैं। जो दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है वो क्या होता है कि रेडिएशन की मदद से उस स्पेसिफिक एरिया को, जो नाइडस फॉर्मेशन होता है, उस एरिया को डेड करवा दिया जाता है। ये देखें ये वाला एरिया, ठीक है, इसमें अगर देखें ये वाला एरिया, इसके इर्द गिर्द आपको एक रिम नजर आ रहा है, ठीक है, सेक्लेरोटिक रिम इसको बोलते हैं, और इस एरिया को हम बोलेंगे नाइडस फॉर्मेशन। ये देखें इसमें ये वाला एरिया और इसमें ये वाला एरिया, समझ आ गई? जी सर, जी सर। उसके बाद है ऑस्टियोब्लास्टोमा। ऑस्टियोब्लास्टोमा इज एन अनकॉमन बेनाइन बोन फॉर्मिंग ट्यूमर। ये एक बेनाइन लेस कॉमन बोन फॉर्मिंग ट्यूमर है। साइट इसकी क्या है? एक्सियल स्केलेटन एंड स्पाइन। एक्सियल स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटन में मोस्ट कॉमनली जो चीज इन्वॉल्व होगी वो है स्पाइन, ठीक है। क्लिनिकली अगर हम इसको देखें तो क्लिनिकली एग्जांपल्स ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा, ठीक है। अगर हम इसको क्लिनिकली देखें तो जिस तरह के सिम्टम्स ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा में हमने देखी है, ठीक है, पेशेंट पेन की कंप्लेन करेगा विच विल वर्स एट नाइट, वही सेम तरह की इसकी भी कंप्लेन होगी। उसमें क्या था कि एनसीड्स देने से वो पेन जो होती है वो रिलीफ हो जाती थी, लेकिन इसमें हम जब एनसीड्स देंगे तो उसकी पेन जो होगी वो रिलीफ नहीं होगी। ये उसमें डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। दूसरा उसमें पॉइंट ये था कि वो अपेंडिकुलर स्केलेटन में था, ये वाला जो है ये एक्सियल स्केलेटन में आपको मिलेगा, स्पाइन के अंदर आपको मिलेगा, वो अपेंडिकुलर स्केलेटन में था, ये स्पाइन में या एक्सियल स्केलेटन में आपको मिल रहा है। वो जो था वो एनसीड्स के साथ उसकी जो पेन थी वो रिलीफ हो रही थी, लेकिन ऑस्टियोब्लास्टोमा के अंदर एनसीड्स के साथ पेन जो है वो रिलीफ नहीं हो रही। डिफरेंस समझ आ रहा है? हाँ जी सर, हाँ जी सर। अगर हम रेडियोग्राफ के अंदर देखेंगे तो हमें कोई नाइडस फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ जो रिजेंबलेंस हमें मिलेगी वो क्लिनिकली हमें मिलेगी कि पेशेंट कहेगा कि बोन पेन है जो कि रात के टाइम पे वर्स हो रही है, ठीक है। नाइडस फॉर्मेशन भी हमको इधर ना तो नाइडस मिलेगा, नो बोनी रिएक्शन, लीजेंस आर प्रीडोमिनेंटली लाइटिक। इसमें जो लीजेंस होगी वो लाइटिक होंगी, ठीक है, जिस तरह किसी चीज ने किस चीज को बाइट करके उसका छोटा पीस निकाला होता है, विद अ रिम ऑफ रिएक्टिव स्क्लेरोसिस। और जिस जगह से बोन की लाइसिस होगी उस जगह पे स्क्लेरोटिक टिश्यूज होंगे, ठीक है। ये देखें ये वाला एरिया देखें, ठीक है, इस जगह से लाइटिक लीजन है और इस एरिया को स्क्लेरोटिक टिश्यूज ने कवर किया हुआ है। उसके बाद ये वाला एरिया देखें, लाइटिक लीजन है, ठीक है, और इस लाइटिक लीजन को स्क्लेरोटिक टिश्यूज ने रिप्लेस किया होता है, स्क्लेरोसिस हुई होती है। इस जगह पर भी देखें लाइटिक लीजन है, ठीक है, इस चीज को बाइट करके बाहर निकाल दिया और काट के बाहर निकाल दिया, ठीक है, उस एरिया पे फिर स्क्लेरोटिक टिश्यूज ने उसको रिप्लेस किया। उसके बाद है ऑस्टियोसारकोमा, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है, सारकोमा जिसमें भी आएगा वो मैलिग्नेंट होगा। ऑस्टियोसारकोमा इज अ बोन प्रोड्यूसिंग मैलिग्नेंट मेसेनकाइमल ट्यूमर, ठीक है, ये एक बोन प्रोड्यूसिंग मैलिग्नेंट मेसेनकाइमल इन ओरिजिन, ठीक है, मेसेनकाइमल सेल्स से ओरिजिनेट हो रहा है,
और ये एक मेलिग्नेंट ट्यूमर है। इसका सेकंड जो नेम है वो है ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा या ऑस्टियोसार्कोमा, दोनों में से किसी भी नाम से आ सकता है। इंसिडेंस इसका क्या है, सेकंड मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट ट्यूमर। इस इज द सेकंड मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंट ट्यूमर। रिस्क फैक्टर्स इसके क्या है, ली फोरमैन सिंड्रोम, फैमिलियल रेटिनोब्लास्टोमा, बोन इंजरी, इन्फार्क्शन, रेडिएशन, पेजेट्स डिजीज ऑफ बोन। ठीक है, ली फोरमैन में भी क्या क्या होता है कि इसमें तीन या चार सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें से एक जो है वो बोन है, उसमें से एक किडनी है, ठीक है, उसके अलावा आई गेस एक लीवर है, तो उनमें से एक जो है वो बोन है। फैमिलियल रेटिनोब्लास्टोमा के अंदर भी ऑस्टियोसार्कोमा के चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। बोन इंजरी अगर होगी, बोन इंजरी की सूरत में ऑस्टियोसार्कोमा के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, इन्फॉक्शन की सूरत में, रेडिएशन एक्सपोजर की सूरत में, ठीक है। उसके अलावा पैजेट्स डिजीज ऑफ बोन के अंदर जो रिस्क है वो इंक्रीज हो जाएगा कि इस पेशेंट के अंदर एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन ऑस्टियोसार्कोमा डिवेलप होने के जो चांसेज हैं वो बढ़ जाएंगे। उसके बाद एज, किस एज में कॉमन है, टीन्स एंड एल्डर्स, ठीक है, टीन एजेस में ये ज्यादा कॉमन है और ओल्ड एज में ज्यादा कॉमन है। टीन एजेस में यानी कि 10 से लेके 20 तक ये वाली जो एज है इसमें ज्यादा कॉमन है ऑस्टियोसार्कोमा, और उसके अलावा एज मोर देन 65 इयर्स, ठीक है, 65 इयर्स से जो ज्यादा है उनमें ज्यादा कॉमन है। दूसरी एजेस में भी आपको मिल सकता है, लेकिन ज्यादा कॉमन इस एज ग्रुप में आपको मिलेगा। क्लिनिकली अगर आप देखें तो आपको क्या मिलेगा, डीप एकिंग बोन पेन, ठीक है, एट नाइट एट रेस्ट, पेन जो होगी वो रात के टाइम पे होगी, रेस्ट जिस पेशेंट रेस्ट की हालत में होगा उस टाइम पे भी होगी, पेशेंट कंफर्टेबली लेटा हुआ है लेकिन उसको पेन हो रही है रात के टाइम पे हो रही है, स्वेलिंग होगी उस जगह पे जिस जगह पे पेन हो रही है, ठीक है। लिम्पिंग गेट, पेशेंट के जो गेट होंगे वो एबनॉर्मल गेट होंगे, यानी कि पेशेंट जिस वक्त वॉक करेगा वो प्रॉपर नॉर्मल तरीके से वॉक नहीं करेगा, लिम्पिंग गेट होंगे। एलिवेशन इन अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ब्लड का अगर हम टेस्ट करेंगे, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन जब हम करते हैं ब्लड के अंदर ALP अल्कलाइन फॉस्फेटेज का जो लेवल है वो इंक्रीज मिलेगा। साइट इसकी क्या है, अकर्स इन मेटाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन, जो मेटाफाइसिस वाला जो पोर्शन है लॉन्ग बोन्स में उस जगह पे ये मोस्ट कॉमनली होता है, यूजली अराउंड द नी। सबसे जो कॉमन साइट है ऑलमोस्ट अबाउट 60% वो है नी ज्वाइंट, नी ज्वाइंट को सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व करेगा। उसके अलावा जो इसका कॉमन साइट है मेटाफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन, उनको इन्वॉल्व करता है, सबसे कॉमन साइट इसकी नी ज्वाइंट है। रेडियोग्राफी अगर हम करवाएंगे एक्सपांशन इन टू द सॉफ्ट टिश्यू, क्योंकि ये बोन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर है तो ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा बोन की ग्रोथ करेगा, ठीक है, वो जो बोन होगी वो सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर फिर बल्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। नॉर्मल बोन से जब उसका जो मैस है वो बढ़ना स्टार्ट होगा, सॉफ्ट टिश्यूज के अंदर उसकी एक्सपांशन होगी। जब हम एक्सरे करेंगे तो एक्सरे के अंदर हमको एक स्पेसिफिक पैटर्न नजर आएगा जिसको हम सन बर्स्ट पैटर्न बोलते हैं, ठीक है ना, जिस तरह सूरज की किरणें इधर उधर जा रही होती हैं इस तरह का हमको पैटर्न नजर आएगा, उसको हम बोलते हैं ऑन एक्सरे इफ यू विल फाइंड सन बर्स्ट पैटर्न दैट इज अ साइन ऑफ ऑस्टियोसार्कोमा विद पुअरली डिफरेंशिएटेड बॉर्डर्स पेरिओस्टियल एलिवेशन विच इज कॉल्ड पोर्टमैन्स ट्रायंगल, ठीक है, कॉर्टिकल डिस्ट्रक्शन और कॉर्टिकल डिस्ट्रक्शन आपको मिलेगी। इसमें क्या है कि अगर हम इसके बॉर्डर्स को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें तो इसके बॉर्डर जो होंगे पुअरली डिफाइंड होंगे, उसको हम वेल डिफाइंड नहीं कर सकेंगे कि ये जो बोन है यहाँ से लेके यहाँ तक गुजर रही है, ठीक है, वो पुअरली डिफाइंड बॉर्डर होंगे उसके। उसका जो पेरिओस्टियम होगी, पेरिओस्टियम होती है जो बोन की सबसे ऊपर वाली बाहर वाली कवरिंग होती है ना, उसको पेरिओस्टियल कवरिंग बोलते हैं या पेरिओस्टियल लेयर बोलते हैं। पेरिओस्टियम जो होगी वो एलिवेट होगी क्योंकि उसके नीचे से न्यू बोन की फॉर्मेशन हो रही है, न्यू बोन फॉर्मेशन की वजह से वो एलिवेट होगी, ठीक है, उस एलिवेशन की वजह से एक ट्रायंगल बनेगी, यानी कि एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ की वजह से जो पेरिओस्टियम होगी वो एलिवेट होगी, ठीक है, और उस साइन को हम बोलते हैं कॉर्टमैन ट्रायंगल, ठीक है। कॉर्टिकल जो कॉर्टेक्स होगा, एक होता है मिडुला होता है जो मिडिल पोर्शन होता है किसी चीज़ का, कॉर्टेक्स होता है किसी चीज़ का आउटर पोर्शन, ठीक है, तो कॉर्टिकल पोर्शन जो होगा बोन का वो डिस्ट्रॉय होगा।
बोस्ट ऑस्टियोब्लास्टिक एंड ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी। ऑस्टियोसार्कोमा के अंदर दोनों एक्टिविटीज एक टाइम पे चल रही होती हैं, ऑस्टियोब्लास्टिक यानी कि बोन फॉर्मिंग एक्टिविटी भी चल रही होती है और बोन डिजॉल्विंग एक्टिविटी भी चल रही होती है, बोन फॉर्मेशन भी हो रही होती है, बोन डिजॉल्व भी हो रही होती है। पुअरली डिफाइंड बॉर्डर्स, और जिस जगह पे आपको ये फाइंडिंग्स मिलेंगी उस जगह के जो बॉर्डर्स होंगे वो पुअरली डिफाइंड होंगे, आप उनको एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकते कि ये जो बोन है यहाँ से ऐसे ऐसे पास हो रहे हैं। नो रिएक्टिव रिम, वहाँ पे आपको कोई रिएक्टिव रिम नहीं मिलेगा। रिएक्टिव रिम मिल रहा है दैट मीन्स यू कैन डिफाइन द बॉर्डर्स, आपको यहाँ पे रिम नहीं मिल रहा दैट मीन्स नो रिएक्टिव रिम, दैट इज मलिग्नेंट, साइन ऑफ मलिग्नेंसी। ठीक है, ट्रीटमेंट इसका क्या है, सर्जिकली रिसेक्शन कर सकते हैं इसको, सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं और उसके बाद रिमूव करने के बाद कीमोथेरेपी करवाते हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद ऑस्टियोसार्कोमा की डिस्ट्रीब्यूशन देख लें। ठीक है, मैक्सिला और मैंडिबल को 8% इन्वॉल्व करेगी, शोल्डर जॉइंट को 10%, हिप जॉइंट को 15%, नी जॉइंट मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व 60% सबसे ज्यादा। ठीक है, ऑस्टियोसार्कोमा के अंदर ये देखें ऑस्टियोसार्कोमा की ग्रॉस फीचर्स, नॉर्मली जो बोन है ये वाली बोन पास हो रही है, ठीक है, इधर से ये बोन पास हो रही है, बोन फॉर्मिंग ट्यूमर है तो इसने ये वाली भी न्यू ग्रोथ करवाई है, ये वाली भी न्यू ग्रोथ करवाई है। ठीक है, ये देखें कहाँ पर, और बोन के अंदर भी आप देखें कितनी चेंजेस आई हैं। एक्सरे के ऊपर अगर आप देखें तो आप इसके बॉर्डर्स को डिफाइन नहीं कर सकते, सन बर्स्ट पैटर्न कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, जिस तरह सूरज की किरणों को आप डिफाइन नहीं कर सकते, इस तरह इसको भी आप डिफाइन नहीं कर सकेंगे। ये नॉर्मल बोन का बॉर्डर आ रहा है और उसके बाद ये वाली जो वाइट वाइट आपको पोर्शन नज़र आ रहा है ये एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ है, इस जगह पे भी अगर आप देखें तो ये आपको एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ नजर आ रही है। ठीक है, ये देखिए जी सर, सेम हियर, इधर भी आपको एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ मिल रही है, ये देखिए इसको बोलते हैं कॉर्ड मैन ट्रायंगल। उसके बाद है कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर्स, बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स हम देख लिए, अब बात करते हैं कार्टिलेज बोन फॉर्मिंग ट्यूमर्स की। कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर्स में कोंड्रोमा आ जाता है, ऑस्टियोकोंड्रोमा एंड कोंड्रोसार्कोमा। सबसे पहले कोंड्रोमा की बात करते हैं, स्मॉल बोन्स ऑफ हैंड्स एंड फीट, किसी का भी आपको मिलेगा हैंड्स और फीट्स की जो छोटी बोन्स हैं उनमें आपको मिल सकता है, एज 30 to 50 ईयर्स में, यानी कि ये वाला ज़्यादा कॉमन होता है इस एज पीरियड के दरमियान। वेल सर्कमस्क्राइब्ड सिंगल ट्यूमर रिजेंबलिंग नॉर्मल कार्टिलेज, ठीक है, अराइज विद मेडुलरी कैविटी ऑफ बोन, ये एक वेल सर्कमस्क्राइब्ड सिंगल ट्यूमर होगा। ठीक है, सेम एक ट्यूमर होगा एक जगह पे होगा, रिजेंबलिंग नॉर्मल कार्टिलेज, वो दिखने में नॉर्मल कार्टिलेज जैसा होगा, अराइज विद मेडुलरी कैविटी ऑफ बोन, वो मेडुलरी कैविटी के साथ अराइज होगा, अनकॉमनली मल्टीपल एंड हेरिडिटरी। ठीक है, ये बहुत कम है कि ये मल्टीपल साइट्स पे आपको मिले, आपको सिर्फ सिर्फ एक जगह पे मिलेगा, बहुत रेयर चांसेस हैं, बहुत अनकॉमन है कि ये मल्टीपल जगह पे आपको मिल जाए। ठीक है, उसके अलावा हेरिडिटरी नहीं है, यानी कि ये जेनेटिकली एक आपका औलाद यानी कि माँ बाप से औलाद में ट्रांसफर नहीं है। देखिए होता क्या है के इस तरह की ग्रोथ होती है, ठीक है, ग्रोथ होगी उसमें बोन भी होगी, ठीक है, बोन मैरो भी होगा, यानी कि जो उसके कॉर्टेक्स मेडुला से कम्युनिकेट कर रही होगी जो ग्रोथ होगी। ठीक है, और ग्रोथ में क्या होगा, बोन भी होगी और बोन के ऊपर आपको कार्टिलेज मिलेगा। ऑस्टियोकोंड्रोमा, ऑस्टियोकोंड्रोमास आर मशरूम शेप्ड एंड रेयर इन साइज फ्रॉम 1 to 20 centimeters। ठीक है, इस तरह मशरूम नजर आती है उस तरह का आपको नजर आएगा, इसका साइज क्या होगा, 1 to 20 centimeters तक इसका साइज हो सकता है। द आउटर लेयर ऑफ द हेड ऑफ द
ऑस्टियोकोन्ड्रोमा इज कंपोज्ड ऑफ बिनाइन हाइलेन कार्टिलेज वेरिंग इन थिकनेस। ये वाले जो आपको ब्लू ब्लू से नजर आ रही है, ठीक है, यानी कि डिफरेंट थिकनेस है इसकी डिफरेंट जगह पे, और ये कौन सी है, हाइलेन कार्टिलेज होती है, ठीक है। कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है, हाइलेन कार्टिलेज है। न्यूली फॉर्म्ड बोन, और इस जगह पे आपको न्यूली फॉर्म्ड बोन मिल रही है, ये देखें नॉर्मली होना ये चाहिए था कि ऐसे आना चाहिए, ये इस जगह पे आपको एक न्यूली फॉर्म्ड बोन, ये वाली बोन का पोर्शन आपको मिल रहा है। न्यूली फॉर्म्ड बोन फॉर्म्स द इनर पोर्शन ऑफ द हेड एंड स्टॉक। वो क्या करेगी, उसका हेड और जो स्टॉक होगा, स्टॉक होता है कि कोई चीज जब किसी तने के साथ जुड़ी होती है ना, उसको हम बोलते हैं स्टॉक, यानी कि ये वाले स्टॉक के साथ जुड़ी हुई, ये वाले जो पोर्शन। ऑस्टियोइड कोंड्रोमा और एक्सोसाइटोसिस, अगर आप ग्रोस फीचर देखें तो ये देखें कुछ इस तरह नजर आएगी, ये बोन बोन के साथ ये एक्स्ट्रा ग्रोथ आपको नजर आ रही है, ठीक है। इसमें क्या होगी, बोन होगी जो कि उसके स्टॉक के साथ मिली हुई होगी, और उसके जो हेड होगा उसके ऊपर आपको हाइलाइन कार्टिलेज मिलेगी, सेम इसी तरह आप इधर भी देखें, इधर भी आपको सेम चीज नजर आ रही है, ठीक है। यह ऑस्टियोकोन्ड्रोमा, ये सर्जिकली एक्साइज किया हुआ ऑस्टियोकोन्ड्रोमा, ठीक है। ये इसके ऊपर जो गैप है, इसी का भी आपको हाइलाइन कार्टिलेज मिलेगी, और ये बोन है जो कि स्टॉक के साथ कम्युनिकेट करती है। उसके बाद है कोंड्रोसारकोमा, वो था ऑस्टियोकोन्ड्रोमा। ऑस्टियो का मतलब होता है कि इसमें बोन की भी ग्रोथ हो रही है, और कोंड्रोमा का मतलब क्या है, कार्टिलेज। ये देखिए ये एक्स्ट्रा बोन भी इसमें ग्रो हो रही है, और कोंड्रोमा मीन्स कार्टिलेज, यानी कि बोन और कार्टिलेज दोनों भी इसमें ग्रोथ हो रही है। अब बात करते हैं कोंड्रोसारकोमा, सिर्फ और सिर्फ कार्टिलेज का जो मलिग्नेंट ट्यूमर है। ग्रॉस फीचर्स इसकी क्या होगी, साइट किस जगह पे आपको मिलेगा, पेल्विस में मिल सकता है, शोल्डर्स में मिल सकता है, और रिब्स में मिल सकता है। रेयरली इन्वॉल्व द डिस्टल एक्सट्रीमिटीज, यानी कि जो एक्सट्रीमिटीज हैं अपर और लोअर लिम्ब का डिस्टल पोर्शन जो है, ठीक है ना, वो पोर्शन जो ट्रंक से अवे है उसको ये रेयरली इन्वॉल्व करता है। यूजली ये किस चीज़ को इन्वॉल्व करेगा, वो उस पोर्शन को जो कि ट्रंक के नज़दीक है, जैसा कि ट्रंक के नज़दीक पेल्विस जो है, पेल्विक जॉइंट जो है, हिप जॉइंट वो ट्रंक के बिल्कुल नज़दीक है, शोल्डर जॉइंट ट्रंक के नज़दीक है, रिब्स ट्रंक के अंदर हैं, ठीक है। तो ये रेयरली इन्वॉल्व्स द डिस्टल एक्सट्रीमिटीज, ये इसकी कॉमन साइट है। ये देखिए एक्साइज किया हुआ जो कोंड्रोब्लास्टोमा, ये बोन है, ठीक है। आपको ये साइटों पे कहीं पे बोन नजर नहीं आएगी, ये सब सब की क्या है, कार्टिलेज है, ये बोन है जितनी नॉर्मल बोन होती है, और उसके ऊपर ये कार्टिलेज की ग्रोथ की हुई है, लिग्नेंट ग्रोथ है कार्टिलेज है। उसके बाद बात करते हैं मिसलिनियस ट्यूमर्स की। मिसलिनियस ट्यूमर्स में इविंग सार्कोमा आ जाता है, और जेंट सेल ट्यूमर ऑफ द बोन। सबसे पहले जेंट सेल ट्यूमर की बात करते हैं। This is a new class that contains large number of osteoclasts like giant cells and mixed with mononuclear cells. ठीक है, ये एक न्यू क्लास में, यानी कि malignant tumor है, उसमें आपको क्या मिलेगा कि लार्ज नंबर ऑफ osteoclasts. ठीक है, osteoclasts क्या होते हैं, bone dissolving cells होते हैं, ठीक है, मैक्रो बोन के मैक्रोफेजेस जो होते हैं उनको osteoclasts बोलते हैं, ठीक है, एड मिक्स विद मोनोन्यूक्लियर सेल्स, और उसके साथ मोनोन्यूक्लियर सेल्स के साथ ये मिक्स होते हैं। इसमें क्या हो रहा है कि ये बोन डिजॉल्विंग ट्यूमर है, इसने क्या करना है, बोन को डिजॉल्व करना है। दीज ट्यूमर्स आर स्लाइटली मोर कॉमन इन फीमेल्स, ये वाले जो ट्यूमर्स होते हैं ये फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। ये देखिए ये दरमियान में से इसने बोन को डिजॉल्व किया, ठीक है, ये क्या है, बोन डिजॉल्विंग ट्यूमर है। ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इसने करनी है। ऑस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं, बोन मैक्रोफेजिस को ऑस्टियोक्लास्ट का नाम देते हैं। मैक्रोफेज ने काम क्या करना होता है, इनगल्फ करके किस चीज़ को, लाइसोसोम की मदद से उसको मेटाबोलाइज कर देना, उसको डिस्ट्रॉय कर देना। बोन बोन के जो मैक्रोफेजेस होंगे वो बोन को इंगल्फ करेंगे, बोन को ईट करेंगे, और उसको आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय करते जाएंगे। तो इसने ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी की मदद से क्या किया कि बोन को दरमियान में से, बोन ईटिंग ट्यूमर आप इसको बोल सकते हो। उसके बाद बात करते हैं इविंग सार्कोमा। इविंग सार्कोमा इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर मेड ऑफ स्मॉल राउंड ब्लू सेल्स। ये स्मॉल राउंड ब्लू सेल्स के बना होता है, पुअरली डिफरेंशिएटेड सेल्स। आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है। न्यूरो एंडोक्राइनल सेल रीजन, ये वाला जो ट्यूमर है इसका जो ओरिजिन है
न्यूरोनल सेल्स हैं और एंडोक्राइन सेल्स हैं, ठीक है। न्यूरो एंडोक्राइन सेल ओरिजिन है, यानी कि इसमें दोनों तरह की सेल्स हैं, यहाँ से ये ओरिजिनेट हो सकता है। बोन डिस्ट्रक्शन इन डायाफाइसिस और मेट डायाफाइसिस, यानी कि जो बोन जो लॉन्ग बोन्स हैं उनकी जो शाफ्ट है मेनली उसको टारगेट करेगा, उसके अलावा मेटाफाइसिस और डायफाइसिस दोनों को टारगेट कर सकते हैं, या तो अकेले डायफाइसिस को या मेटाफाइसिस और डायफाइसिस दोनों को। अराइज इन मेडुलरी कैविटी ऑफ द बोन, बोन के मेडुल्ला में यानी कि जो उसका मिडल पोर्शन होगा वहाँ पे ये वाला जो लिविंग सार्कोमा है वहाँ से अराइज होगा। कॉज्ड बाय द ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन क्या है 11-22 यानी कि 11 और 22 जो क्रोमोसोम है इनके कुछ पोर्शन आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांसलोकेट हो जाएंगे। क्रोमोसोम नंबर 11 और क्रोमोसोम नंबर 12 का कुछ पोर्शन जो है वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, उस एक्सचेंज की वजह से इविंग सार्कोमा हो सकता है। एज इसमें क्या है, सेकंड मोस्ट कॉमन बोन मैलिग्नेंसी इन चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस की अगर बात करें तो उनके अंदर ये दूसरी सबसे ज़्यादा कॉमन मैलिग्नेंसी है। क्लिनिकली अगर इसको हम देखें तो ये ऑस्टियोमेलाइटिस की तरह मिमिक करेगी। ऑस्टियोमेलाइटिस की तरह किस तरह मिमिक करेगी, क्योंकि इसके अंदर हमको एक तो WBC का जो लेवल है बहुत ज़्यादा मिलेगा, उसके अलावा ESR रिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जो है वो भी हमको इंक्रीज मिलेगा। ये वाले जो दोनों चीज़ें हैं ये ऑस्टियोमेलाइटिस के अंदर भी इंक्रीज मिलती हैं, WBC भी इंक्रीज मिलता है और ESR भी इंक्रीज मिलता है, ठीक है। तो क्लिनिकली अगर हम इसको देखेंगे तो इसको हम मिसडायग्नोज कर सकते हैं विद ऑस्टियोमायलाइटिस। रेडियोलॉजिकल अगर हम उसके बाद हमने आगे क्या करना है कि रेडियोलॉजिकली हम जब इसको देखेंगे इसके एक्सरे करवाएंगे तो हमें क्या नज़र आएगा, ओनियन स्किन अपीयरेंस, जिस तरह ओनियन की स्किन की अपीयरेंस होती है उस तरह की अपीयरेंस नजर आएगी। कैन हैव कोडमैन ट्राइंगल, और इसमें हमें क्या नज़र आ सकता है, कोडमैन ट्राइंगल नज़र आ सकती है, यानी कि अबनॉर्मल बोन ग्रोथ नज़र आ सकती है जो कि ऑस्टियोमेलाइटिस में नहीं होती, ठीक है। तो इससे हम क्या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये ऑस्टियोमेलाइटिस नहीं है। ट्रीटमेंट इसका कैसे करेंगे, रिस्पॉन्स टू कीमो स्पेशली कंबाइंड विद ड्रेप्सिमा, ये कीमोथेरेपी को अच्छा रिस्पॉन्स करती है। अगर इसको रेडियो के साथ कंबाइन कर दिया जाए तो इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो और बेटर हो जाता है, ठीक है। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी अगर दोनों कंबाइन कर दिए जाएँ तो इसका जो रिस्पॉन्स है और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इविंग सार्कोमा किसमें ज़्यादा होता है, सेकेंड मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन, दिस इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी इन चिल्ड्रन। उसके बाद बात करते हैं हेमेटोपोइटिक ट्यूमर्स, हेमेटोपोइटिक कौन से हैं जो कि ब्लड सेल्स से ओरिजिनेट हो रहे हैं, इनको हेमेटोपोइटिक का नाम देते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है मल्टीपल माइलोमा, माइलोमा इज अ टाइप ऑफ कैंसर दैट डेवलप्स फ्रॉम सेल्स इन द बोन मैरो कॉल्ड प्लाज्मा सेल्स। जो मल्टीपल माइलोमा है ये क्या है, एक टाइप का कैंसर है। ये कहाँ से डिवेल्प होगा, ये बोन मैरो में एक सेल होता है जिसको हम प्लाज्मा सेल बोलते हैं, ये उसका अगर ट्यूमर हो तो उसको हम मल्टीपल माइलोमा का नाम देते हैं। बोन मैरो प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, जो हमारी बोन मैरो है उसमें डिफरेंट टाइप्स के सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। उसमें दो सीरीज होती है, एक पहले नंबर पर होता है मल्टीपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल या स्टेम सेल आप सिंपल बोल रहे हो, ठीक है। वो स्टीम सेल जो होते हैं आगे दो लाइंस में डिफ्रेंशिएट होते हैं, एक होती है लिम्फाइड प्रोजिनेटर और दूसरा होता है माइलॉइड प्रोजिनेटर। जो माइलॉइड प्रोजिनेटर होता है उसने क्या करवाना होता है, RBCs, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स और कुछ WBCs और उसके अलावा इयोसिनोफिल बेसोफिल मास सेल्स, ठीक है, प्लेटलेट्स, इनकी प्रोडक्शन करवानी होती है। जो लिम्फोब्लास्ट है, लिम्फोब्लास्ट प्रोजिनेटर है, उसमें लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन करवानी होती है, नेचुरल किलर सेल हेल्पर टी सेल्स, ठीक है, या कि टी सेल सीरीज जितनी भी है उसके अलावा बी लिम्फोसाइट्स, इसकी उसने प्रोडक्शन करवानी होती है। तो जो मल्टीपल माइलोमा है ये किसका ट्यूमर होता है, बी लिम्फोसाइट का, ठीक है। बी लिम्फोसाइट जिस वक्त मेच्योर होते हैं तो उसको प्लाज्मा सेल का नाम देते हैं, मेच्योर बी लिम्फोसाइट इज कॉल्ड प्लाज्मा सेल। तो उन प्लाज्मा सेल्स का अगर ट्यूमर होगा तो उसको मल्टीपल माइलोमा का नाम दिया जाता है, ठीक है। माइलोमा कैन बी एनी वेयर देयर इज अ बोन मैरो, यानी कि जिस जिस जगह पे बोन मैरो है उस जगह पे मल्टीपल माइलोमा हो सकता है, इंक्लूडिंग द पेल्विस, पेल्विस में बोन मैरो है उस जगह पे हो सकता है, स्पाइन के अंदर हो सकता है, रिब केज के अंदर हो सकता है, ठीक है।
एज इट कैन अकर इन सेवरल प्लेसेस इन द बॉडी इट इज ऑफन कॉल्ड एज मल्टीपल माइलोमा, क्योंकि ये जिस्म के डिफरेंट जगहों पे हो सकते हैं, तो इसी मुनासबत से इसको मल्टीपल माइलोमा का नाम दिया गया। इज दैट क्लियर? क्लियर सर। Yes, B lymphocyte जिस वक्त mature होते हैं तो उसको plasma cell का नाम देते हैं, ठीक है? Plasma cell का जो tumor है उसको हम myeloma का नाम देते हैं, क्योंकि ये body के different parts में हो सकता है, इसलिए इसको हम multiple myeloma का नाम। इस age group में ज़्यादा common है 40-60 years male more than female, ठीक है? Males के अंदर ज़्यादा common है, age group है 40-60 years. Plasma cells becomes malignant, crowd out normal cell production, destroy normal bone tissue and causes pain. करेंगे क्या कि normally bone marrow के अंदर plasma cells का level बहुत कम है, ठीक है? जिस वक्त ये वाला tumor होगा तो bone marrow के अंदर ये वाले जो cells होंगे इनका level है बढ़ना start हो जाएगा। जो दूसरे cells हैं जिनका level normally bone marrow के अंदर ज़्यादा होता है, उनका जो लेवल है उसको डिक्रीज करना स्टार्ट कर देंगे, उनको ये वाले जो सेल्स हैं प्लाज्मा सेल्स हैं उनको रिप्लेस करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? जिस वक्त उनको रिप्लेस करेंगे तो क्या करेंगे, उस जगह की जो बोन होगी उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? बोन का जो मिडिलरी एरिया उसको डिस्ट्रॉय करेंगे, बोन टिश्यूज डिस्ट्रॉय होंगे, जिस वक्त बोन टिश्यू डिस्ट्रॉय होंगे तो उस बोन की पेन होगी, ठीक है? इट विल काज पेन। सिम्टम्स इसके क्या होंगे, पेशेंट विल कम टू यू विद बोन पेन, स्वॉलन एंड टेंडर जॉइंट्स, ठीक है? लो ग्रेड फीवर एंड जनरल मलेज, ठीक है? पेशेंट आएगा कि मेरी हड्डियों में दर्द है, ठीक है, सोजन हुई हुई है जॉइंट्स के ऊपर, हाथ लगाने से बहुत दर्द हो रही है, ठीक है? उसके अलावा लो ग्रेड फीवर की, वेट लॉस की, पूरी जिस्म के अंदर दर्द की कंप्लेन करेगा। इस वक्त हम इन्वेस्टिगेट करवाएंगे, इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चल सकता है कि ये वही प्रॉब्लम है, क्योंकि वेट लॉस, मल्टीपल जो जॉइंट्स हैं उनमें स्वेलिंग और टेंडरनेस, बोन पेन, इन चीज़ों को रूल आउट करने के लिए हम एक्सरे करवाएंगे, डिफरेंट जो इन्वेस्टिगेशन है वो करवाएंगे, तो हमारे डायग्नोसिस सेट हो सके। डायग्नोसिस हमने किस तरह करवानी है, द क्लासिक ट्राइएड ऑफ माइलोमा, माइलोमा की क्लासिक ट्राइएड है। इसमें क्या होगा, मैरो प्लाज्मा साइटोसिस, बोन मैरो के अंदर प्लाज्मा सेल्स का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। प्लाज्मा मीन्स प्लाज्मा सेल्स, साइटोसिस का मतलब क्या है, सेल्स का किसी जगह पे इंक्रीज होना, सेल्स का किसी जगह पे इंक्रीज होना, किसी जगह पे इंक्रीज हो रहे हैं, इन द बोन मैरो। मैरो प्लाज्मा साइटोसिस मींस बोन मैरो के अंदर जो प्लाज्मा सेल्स हैं उनका लेवल इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, मोर देन 10%। उसके बाद है लाइटिक बोन लीजेंस, जिस वक्त उनका प्लाज्मा सेल्स का बोन मैरो के अंदर लेवल इंक्रीज होगा तो उस जगह से वो बोन को डिस्ट्रॉय करेंगे और लाइटिक लीजेंस वहाँ पे अपीयर होंगे। उसके अलावा सीरम एंड यूरिन एम कंपोनेंट, इसके अंदर जो प्रोटीन होता है, क्योंकि ये क्या करता है कि एबनॉर्मल एंटीबॉडीज बनाता है, जिनको हम ये वाले जो सेल्स हैं, प्लाज्मा सेल्स का काम क्या होता है, प्लाज्मा सेल्स ने एंटीबॉडीज प्रिपेयर करनी होती हैं, तो ये चूंकि एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल्स हैं, मैलिग्नेंट प्लाज्मा सेल्स हैं, तो इनसे बनने वाली जो प्रोडक्ट होगी वो भी एबनॉर्मल होगी। तो प्लाज्मा सेल ने नॉर्मली काम क्या करना होता है कि इसने एंटीबॉडीज बनानी होती हैं, जो एंटीबॉडीज होती हैं वो प्रोटीन इन नेचर होती हैं, ठीक है? तो बॉडी के अंदर इतने सारे जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन करवाएंगे, और वो क्या होंगी, एबनॉर्मल एंटीबॉडीज होंगी, उनको हम नाम देते हैं एम प्रोटीन का या एम कंपोनेंट का, ठीक है? तो सीरम एंड और यूरिन, इसमें आपको एम प्रोटीन या एम कंपोनेंट का जो लेवल है वो इंक्रीज मिलेगा। यूरिन के अंदर भी जो पेशेंट है वो एम प्रोटीन को खारिज करेगा, और उसके अलावा सीरम के अंदर भी एम प्रोटीन का जो लेवल होगा वो इंक्रीज होगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। यस यस सर। The diagnosis may be made in the absence of bone lesion if the plasma cytosis is associated with progressive increase in M component over time or if extramedullary mass lesion develops. जो diagnosis है
मे बी मेड इन द एब्सेंस ऑफ बोन लीजेंस, यानी कि अगर बोन में लाइटिक लीजेंस आपको नहीं मिल रहे तब भी आप अपनी डायग्नोसिस सेट कर सकते हैं। किस बेसिस पे आप अपनी डायग्नोसिस एज अ मल्टीपल माइलोमा सेट कर सकते हैं? इफ देयर इज प्लाज्मा साइटोसिस, अगर बोन मैरो के अंदर प्लाज्मा सेल्स का लेवल आपको इंक्रीज मिले विद प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन एम कंपोनेंट ओवर टाइम, और प्लाज्मा मैरो प्लाज्मा साइटोसिस के साथ साथ आपको सीरम के अंदर यानी कि प्लाज्मा के अंदर आपको एम प्रोटीन का जो लेवल है वो ज़्यादा मिले, और उसके अलावा यूरिन के अंदर आपको एम प्रोटीन या एम कंपोनेंट का जो लेवल है वो इंक्रीज मिले ओवर टाइम, और इफ एक्स्ट्रा मेडुलरी मास लीजेंस जो है ठीक है या एक्स्ट्रा मेडुलरी मास लीजेंस हैं वो डेवलप हो जाए। ये अगर आपको दो फाइंडिंग्स मिल जाएँ प्लाज्मा साइटोसिस मैरो प्लाज्मा साइटोसिस और एम प्रोटीन का जो लेवल है वो इंक्रीज मिल जाए तो आप अपनी डायग्नोसिस जो है वो सेट कर सकते हैं एज अ मल्टीपल माइलोमा। इज दैट क्लियर? यस सर। लाइटिक लीजन लाइटिक बोन लीजन इन मल्टीपल माइलोमा, आपको ये देखिए लाइटिक बोन लीजन उसको स्क्लेरोटिक टिश्यूज जो होंगे वो रिप्लेस करेंगे, ये नजर आ रही है, ये नजर आ रहे हैं इस जगह पे लाइटिक लीजन नजर आ रही है, ये लाइटिक लीजन नजर आ रही है ठीक है। क्लासिक ट्रायड ऑफ मल्टीपल माइलोमा साइन एंड सिम्टम्स, क्रैब के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं, कैल्शियम का जो लेवल है क्योंकि बोन जो है वो डिस्ट्रॉय होगी, जब बोन डिस्ट्रॉय होगी तो बोन किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट से, कैल्शियम और फॉस्फेट जो होंगे वो रिलीज होंगे इन टू द ब्लड, जिस वक्त वो ब्लड के अंदर रिलीज होंगे तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल जो होगा वो इंक्रीज होगा। Renal impairment increase blood urea nitrogen creatinine, जिस वक्त जो किडनी है वो इतने सारे एम प्रोटीन को फिल्टर करेगा तो किडनी का जो फंक्शन होगा वो इम्पेयर होना स्टार्ट हो जाएगा ठीक है। जिस वक्त किडनी का फंक्शन जो है वो इम्पेयर होगा, किडनी अपना प्रॉपर काम नहीं करेगी, उस टाइम पे ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन का जो लेवल है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। उसके अलावा चूंका जो बोन मैरो है उसको एबनॉर्मल टिश्यू एबनॉर्मल सेल्स जो हैं जिसको हम क्या बोलते हैं प्लाज्मा सेल्स, उन्होंने रिप्लेस कर दिया है। जब प्लाज्मा सेल्स ने बोन मैरो को रिप्लेस कर दिया है उस जगह पे आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन नहीं होगी, जिसको प्रोडक्शन नहीं होगी तो हमारी बॉडी के अंदर एचबी की कमी होनी स्टार्ट हो जाएगी, हेमेटोक्रिट की कमी होगी जिसको हम अनीमिया का नाम देते हैं। बोन के अंदर क्या होगा, लाइटिक लीजन की वजह से पेन होगी, इजी फ्रैक्चर के चांसेस होंगे ठीक है, तो पेन भी हो सकती है, फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, लाइटिक लीजन आपको एक्सरे के ऊपर मिल सकते हैं। इज दैट क्लियर? साइन एंड सिम्टम्स की एक सिंपल सी क्लासिक ट्रायड है, क्रैब के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। समझ आ गए? यस सर। यस सर। यस सर। उसके बाद है सेकेंडरी बोन ट्यूमर्स, पहले हमने क्या पढ़े हैं प्राइमरी बोन ट्यूमर्स जो कि बोन से ही ओरिजिनेट हो गए हैं, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी बोन ट्यूमर्स के जो कि मेटास्टेसाइज होके बोन तक आ रहे हैं। मेटास्टेटिक बोन ट्यूमर्स, मेटास्टेटिक ट्यूमर्स आर द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ द बोन ठीक है, ये सबसे ज्यादा कॉमन ट्यूमर्स हैं बोन के एज कंपेयर टू प्राइमरी बोन ट्यूमर्स। मेटास्टेसिस मेल्स में सबसे ज़्यादा जो कॉमनली मेटास्टेटिक बोन ट्यूमर है वो होता है प्रोस्टेट, प्रोस्टेटिक ट्यूमर जो होता है प्रोस्टेटिक कैंसर जो होता है वो मेटास्टेसाइज होकर बोन तक पहुँचता है। इनकेस ऑफ फीमेल्स ब्रेस्ट ट्यूमर सबसे कॉमन है, उसके बाद रीनल ट्यूमर आ सकता है, रीनल सेल कार्सिनोमा, थायराइड कार्सिनोमा ठीक है, आल्सो सीक बोन अर्ली यानी बोन्स की तरफ जो अर्ली मेटास्टेसिस है ये करवा सकते हैं ठीक है, लेकिन मेल्स के अंदर प्रोस्टेट, फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट, ये दो जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं ये सबसे अर्ली बोन को इन्वॉल्व करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑन द ओरिजिन ऑफ बोन ट्यूमर, प्राइमरी बोन ट्यूमर्स ड्राइव्ड फ्रॉम द बोन वो हम उसकी बात कर सकते हैं कर चुके हैं। मेटास्टेटिक बोन ट्यूमर्स ड्यू टू मेट्स फ्रॉम ब्रेस्ट, लाइटिक लीजन्स होंगे और ब्लास्टिक लीजन्स होंगे, किडनीज लाइटिक लीजन, प्रोस्टेट ब्लास्टिक लीजन, एड्रिनल ग्लैंड से जो मेटास्टेसाइज होगा लाइटिक लीजन कास्ट होएगा, थायराइड, इंटेस्टाइन, लंग, लिवर, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, सर्वेक्स ठीक है, इन जगहों से जब वो मेटास्टेसाइज होकर बोन तक पहुँचेंगे तो ये लाइटिक लीजन कास्ट करवाएंगे इन द बोन ठीक है। बोन
फिगर लाइट लीजन होगी उसको वो सेक्लेरोटिक टिश्यूज की सेक्लेरोटिक टिश्यूज से रिप्लेस करेगा और जगह पे आपको चेंजिंग नजर आएंगी ऑन द रेडियोग्राफ. ट्यूमर्स ट्यूमर लाइक लीजन्स नॉन न्यूप्लास्टिक कंडीशंस दैट रिजेंबल्स ट्यूमर एग्जांपल सॉलिटरी बोन सिस्ट. यानी के जो ट्यूमर नहीं है लेकिन अगर उनको हम रेडियोग्राफ के ऊपर देखें तो हम उसको एज अ ट्यूमर मिसपरसीव कर सकते हैं. कौन कौन सी वो कंडीशंस हैं? सॉलिटरी बोन सिस्ट जो होगी उसको हम एज अ न्यूप्लास्टिक मिसडायग्नोस कर सकते हैं. उसके अलावा एनिरिज्मल बोन सिस्ट, एनिरिज्मल बोन सिस्ट में क्या होता है, ब्लड होता है, ठीक है, वो बोन के अंदर एक सिस्ट उसमें बनाई होती है ब्लड में, उस सिस्ट के अंदर ब्लड हो गया उसको हम मिसडायग्नोस कर सकते हैं. उसके अलावा फाइब्रस डिस्प्लेशिया, फाइब्रस डिस्प्लेशिया क्या होता है कि बोन टिश्यूज को फाइब्रस टिश्यूज ने रिप्लेस किया होता है. जिस जगह पे बोन टिश्यूज होने चाहिए उस जगह पे फाइब्रस टिश्यूज ने ली होती है. उसके अलावा ब्राउन ट्यूमर हो सकता है, ठीक है, ये वाले जो ट्यूमर हैं इनको हम यानी कि इसको हम मिसडायग्नोस कर सकते हैं एज अ बोन ट्यूमर. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द साइट ऑफ रीजन, एपिफाइसियल रीजन में कौन कौन से आते हैं, ओस्टियोक्लास्टोमा, कोंड्रोब्लास्टोमा, ये दो ट्यूमर जो है एपिफाइसियल रीजन है. मेटाफाइसियल रीजन में कौन से हैं, ओस्टियोइड ओस्टियोमा, ओस्टियोकोंड्रोमा, ओस्टियोब्लास्टोमा, बोन सिस्ट, ओस्टियोजेनिक सार्कोमा. डायफाइसियल डायफाइसिस से कौन से ओरिजिनेट हो रहे हैं, इविंग सार्कोमा और मल्टीपल माइलोमा. चॉइस ऑफ इमेजिंग टेक्निक, यानी कि हम कैसे कैसे अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है उसको प्रोसीड करेंगे. सबसे पहले पेशेंट हमारे पास आया, उसने हमें अपनी जो फाइंडिंग्स थी वो बताई. फाइंडिंग्स बताने के बाद हमने सबसे पहले क्या किया, उसका एक्सरे करवाया, ठीक है. एक्सरे करवाने के बाद हमारे पास तीन प्रोबेबल जो हमारे ओपिनियन बन सकते हैं, या तो हम डायग्नोज कर सकते हैं कि दिस इज अ बिनाइन लीजन, ठीक है. अगर हम उसको या उसको कर सकते हैं कि डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम पुअरली विजुअलाइज्ड बोन मैट्रिक्स, हम एक्सरे के अंदर कोई चीज़ हमें क्लियर नहीं हुई, सेकेंड ऑप्शन ये है. थर्ड ऑप्शन ये है कि प्रोबेबली मैलिग्नेंट, और अगर हमें शक है कि ये एक मैलिग्नेंसी, ठीक है, तो उन कंडीशन में अब हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास तीन चॉइसेस आ गई एक्सरे करवाने के बाद. अगर तो हमने उसको डायग्नोज कर दिया कि ये एक बिनाइन लीजन है, तो हम क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट लीजन. जो भी वो लीजन होगी बिनाइन लीजन, उसका जो भी ट्रीटमेंट है हम अकॉर्डिंगली उसको प्रोसीड करते हैं. अगर हमने उसको डायग्नोज कर लिया कि ये एक मैलिग्नेंट बोन ट्यूमर है, तो उसको हमने फिर क्या करवाना है, उसकी हमने स्टेजिंग करवानी है कि अब ये जो ट्यूमर है मैलिग्नेंट ट्यूमर है ये किस स्टेज पे है, ठीक है, स्टेज वन पे है, टू पे है, ऑलरेडी मेटास्टेसाइज हो चुका है, किस स्टेज के ऊपर है. तो स्टेजिंग करवाने के लिए हम क्या करवाएंगे, MRI करवाएंगे. MRI के अलावा हमने क्या करवाना है, उसकी बायोप्सी करवानी है. MRI से हमने क्या करवा लिया, उसकी एक तो स्टेजिंग करवा ली और साथ में बायोप्सी करवा ली, और साथ क्या कराएं कि बायोप्सी के बाद हमने क्या करना है, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है. हमारे पास जो थर्ड थी वो थी कि डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम, हमें एक्सरे के ऊपर क्लियर नहीं हो रहा कि क्या मसला है, क्या चीज़ है, बिनाइन है मैलिग्नेंट है, समझ नहीं आ रही थी. जब हमें समझ नहीं आ रही थी तो हमने क्या करवा दिया, उसका सिटी स्कैन करवा दिया, ठीक है, उस स्पेसिफिक पोर्शन का, हेड है, नेक है, लिम्ब है, अपर लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, पेल्विस है, नी जॉइंट है, उसका हमने क्या किया, सिटी स्कैन करवा दिया. सिटी स्कैन से हमें क्लियर हो जाएगा कि इज इट मैलिग्नेंट और बिनाइन. अगर उससे भी हमें कंफर्म नहीं हो रहा तो हमने क्या करवा लेना है, अगर तो हमें कंफर्म हो गया तो अकॉर्डिंगली जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक हमने प्रोसीड करना है. बिनाइन का क्या है, जो भी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है वो कर देंगे. मैलिग्नेंट का क्या है, उसकी स्टेजिंग करवा के, बायोप्सी करवा के उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे. अगर हमें सिटी स्कैन के बावजूद हमें कंफर्म नहीं हो रहा कि ये मैलिग्नेंट है या बिनाइन है, तो हम क्या करवाएंगे, उसकी बायोप्सी करवा सकते हैं. जब हम बायोप्सी करवाएंगे, बायोप्सी पे हमने उसकी हिस्टोपैथोलॉजी देखनी है. हिस्टोपैथोलॉजी पे हमें पता चल जाएगा कि आया कि ये एक मैलिग्नेंट सेल्स हैं या बिनाइन सेल्स हैं. अगर मैलिग्नेंट सेल्स होंगे तो उनको अकॉर्डिंग टू द मैलिग्नेंट सेल्स उस लाइन के ऊपर हम ट्रीट करेंगे, ठीक है. अगर वो बिनाइन सेल्स हैं तो हम उसको अकॉर्डिंग टू द ट्यूमर, जो भी बिनाइन ट्यूमर होगा उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करेंगे. इज दैट क्लियर, क्लियर है? हाँ जी सर, हाँ जी सर.
समझ आ रही है या कोई नहीं आ रही? आ रही है सर। उसके बाद हम देखते हैं टीएनएम क्लासिफिकेशन ऑफ द बोन ट्यूमर्स। ठीक है, टीएनएम क्लासिफिकेशन में टी स्टैंड्स फॉर प्राइमरी ट्यूमर, एन स्टैंड्स फॉर रीजनल लिम्फ नोड्स एंड एम स्टैंड्स फॉर डिस्टेंट मेटास्टेसिस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टीएनएम स्टेजिंग। क्लासिफिकेशन में इसमें हम क्या करते हैं, टी एक्स में क्या चीज आएगी, प्राइमरी ट्यूमर विच कैन नॉट बी असेस्ड, यानी कि उसका हमें अभी तक आइडिया नहीं हुआ कि प्राइमरी ट्यूमर कहाँ से आया। टी जीरो क्या है, नो एविडेंस ऑफ प्राइमरी ट्यूमर, हमें प्राइमरी ट्यूमर की कोई एविडेंस नहीं मिले। टी वन क्या है, ट्यूमर लेस देन 8 सेंटीमीटर इन ग्रेटेस्ट डायमेंशन, ग्रेटेस्ट डायमेंशन में जो ट्यूमर का साइज है वो 8 सेंटीमीटर से कम है। टी टू में क्या होगा, 8 सेंटीमीटर से अगर उसकी जो ग्रेटेस्ट डायमेंशन में उसके जो साइज है वो 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। टी थ्री डिसकंटीन्यूअस ट्यूमर इन द प्राइमरी बोन साइज, यानी कि डिसकंटीन्यूअस का मतलब क्या है कि उसके जो मार्जिन हैं हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, वो उसकी प्राइमरी ट्यूमर की लास्ट स्टेज है, यानी कि वो ऑलरेडी मेटास्टेसाइज हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनल लिम्फ नोड्स। रीजनल लिम्फ नोड्स में क्या है कि लिम्फ नोड्स को या तो हम असेस नहीं कर पा रहे कि आया कि लिम्फ नोड्स तक हुई है या नहीं हुई। ठीक है, मेटास्टेसाइज लिम्फ नोड्स तक हो चुका है या नहीं हो चुका। उसके बाद एन जीरो है, एन जीरो में क्या है, नो रीजनल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, हमने लिम्फ नोड्स को असेस किया, असेस करने के बाद हमें कोई भी ऐसी लिक्विड चेंजेस लिम्फ नोड्स के अंदर नहीं मिली। एन वन रीजनल लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस हो चुकी है लिम्फ नोड्स की और लिम्फ नोड्स जो हैं वो उनकी लिम्फोडिनोपैथी हो चुकी है, लिम्फ नोड्स जो हैं वो ऑलरेडी हार्ड हो चुके हैं। क्लिनिकली और पैथोलॉजिकली कुड बी कंसिडर्ड एन जीरो इंस्टेड ऑफ एन एक्स और पी एन एक्स, यानी कि एन जीरो का हम कंसिडर करते हैं, या तो लिम्फ नोड मेटास्टेसिस होगी या नहीं होगी, अगर नहीं है तो एन जीरो, अगर हो गई है तो एन वन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एम की, एम में क्या है, डिस्टेंट मेटास्टेसिस, डिस्टेंट मेटास्टेसिस के नॉट बी असेस, हमने कोशिश की है कि डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो चुकी है या नहीं हो चुकी, उसको हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की, हमें नहीं मिली। ठीक है, एम जीरो में क्या है, नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस, कोई डिस्टेंट मेटास्टेसिस नहीं हुई। एम वन डिस्टेंट मेटास्टेसिस ऑलरेडी डन हो चुकी है, उसमें उसके बाद आगे मजीद उसकी टाइप आ जाती है एम वन ए। एम वन ए का मतलब क्या है कि लंग्स तक जो जो डिस्टेंट मेटास्टेसिस है वो लंग तक पहुंच गई है और लंग के अंदर आपको मेटास्टेटिक लीजेंस मिल रही हैं। एम वन बी अदर डिस्टेंट साइड्स, अगर लंग के अलावा हमें लिवर के अंदर भी मेटास्टेटिक चेंजेस मिल रही हैं, इंटेस्टाइन के अंदर या ब्रेन के अंदर या किसी भी और जगह पे हमको मेटास्टेटिक चेंजेस मिल रही हैं तो हम उसको एम वन बी कैटेगरी में रखेंगे। इज दैट क्लियर? टी एन एम क्लासिफिकेशन समझ आ गई? यस सर आ गई। जी सर आ गई। उसके बाद मस्कुलोस्केलेटल ट्यूमर सोसाइटी स्टेजिंग ऑफ लिगमेंट बोन लीजन। ठीक है, इसको आप नीचे से स्टार्ट कर ले। वन ए का मतलब क्या है, लो ग्रेड इंट्रा कंपार्टमेंटल। ठीक है, जो ट्यूमर है एक तो लो ग्रेड है और दूसरे नंबर पे इंट्रा कंपार्टमेंटल, उसी कंपार्टमेंट के अंदर है। वन बी में क्या है, लो ग्रेड बट एक्स्ट्रा कंपार्टमेंटल, यानी कि कंपार्टमेंट से बाहर चला गया। टू ए का मतलब है हाई ग्रेड इंट्रा कंपार्टमेंटल, हाई ग्रेड है लेकिन कंपार्टमेंट के अंदर है। टू बी का मतलब है हाई ग्रेड बट एक्स्ट्रा कंपार्टमेंटल, हाई ग्रेड है और कंपार्टमेंट से बाहर चला गया। थ्री का मतलब क्या है, एनी ग्रेड, ग्रेड जो भी हो लेकिन जो ट्यूमर है वो मेटास्टेसाइज हो चुका है, यानी कि बोन से आगे जो दूसरे ऑर्गन्स हैं फॉर एग्जाम्पल लिवर है, लंग है, ब्रेन है, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, यानी कि किसी भी जगह पे वो आगे मेटास्टेसाइज हो चुका है। डजंट मैटर कि ग्रेड उसका हाई है या नहीं है। ठीक है, समझ आ गई? जी सर। यस सर। बाद डायग्नोस्टिक वर्कअप, रेडियोलॉजिकल टेस्ट इसमें करेंगे, प्लेन फिल्म्स ऑफ इन्वॉल्व्ड बोन, जो भी बोन इन्वॉल्व है उसकी हम प्लेन एक्सरे करवाएंगे। एक्सरे के बाद हमारे पास जो सेकंड ओपिनियन है वो एमआरआई ऑफ द एंटायर इन्वॉल्व्ड बोन,
जो भी बोन इन्वॉल्व होगी, सेकेंड लाइन हमारे पास होती है, यानी कि अगर हमें एक्सरे पे फाइंडिंग नहीं मिली, अगर मिल गई हैं तो उसकी स्टेजिंग करने के लिए हम MRI करवा लेंगे, होल बॉडी स्कैन। अब बॉडी स्कैन करवा के हम देखेंगे कि ट्यूमर जो है वो किस किस जगह पे, होल बॉडी बोन स्कैन हम करवाएंगे कि बोन के कौन कौन सी बोन उसने इन्वॉल्व की हुई है, पूरी बॉडी में किस किस बोन के अंदर ये वाला जो ट्यूमर है वो मेटास्टेसाइज हो चुका है या है। उसके बाद चेस्ट एक्सरे एंड सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट। उसके बाद हमने क्या करना है कि चेस्ट एक्सरे करवाने हैं और चेस्ट का सीटी स्कैन करवाना है। किस काम के लिए करवाना है कि चेस्ट के अंदर मेटास्टेसिस तो नहीं होगी। अगर चेस्ट के अंदर मेटास्टेसिस होगी है तो उसके बाद हम एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं कि एब्डोमेन के अंदर अल्ट्रासाउंड में हमें अगर लिवर के अंदर कोई मेटास्टेटिक चेंजेस मिल रही हैं, ठीक है। पेट स्कैन करवा सकते हैं, पेट स्कैन में हमें पता चलेगा कि बॉडी के किस किस एरिया तक जो ट्यूमर है वो ऑलरेडी एक्सीड कर चुका है, ठीक है। ये हमने क्या किया है, रेडियोलॉजिकल टेस्टिंग की है कि स्टार्ट से हमने डायग्नोसिस से लेके उसकी स्टेजिंग से लेके उस पहला जो ऑर्गन हमारे पास होता है वो है बोन, बोन से लेके उसके बाद चेस्ट आ जाता है, यानी कि लंग्स आ जाते हैं, लंग्स के बाद पूरी बॉडी आ जाती है। हमने एक सिस्टमेटिकली पूरा एक फ्लो चार्ट दे दिया कि सबसे पहले क्या करवाना है, उसके बाद क्या करवाना है, उसके बाद क्या करवाना है, उसके बाद क्या है, प्री थेरेपी इवेल्युएशन। थेरेपी से पहले उसकी इवेल्युएशन करवानी है, ऑल्सो इंक्लूड्स ऑडियोग्राम, यानी कि उसके कानों का जो टेस्ट है वो देखेंगे कि उसको सुनाई ठीक देता है, ठीक है। इकोग्राम, उसके दिल का अल्ट्रासाउंड करेंगे और देखेंगे कि उसके हार्ट में कोई इशू तो नहीं है, यानी कि हमारी थेरेपी की वजह से उसके हार्ट पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं बन सकता। GFR और क्रिएटिनिन क्लियरेंस, उसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट है या क्रिएटिनिन क्लियरेंस, यानी कि उसके किडनीज है उनकी हम सिचुएशन देखेंगे कि वो ऑप्टिमली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम कीमोथेरेपी देंगे तो किडनीज को ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं होगा, उस काम उस चीज़ को चेक करने के लिए हम उसके GFR और क्रिएटिनिन क्लियरेंस भी देखेंगे। क्लियर, ये प्री थेरेपी इवैल्यूएशन, यानी कि थेरेपी स्टार्ट करने से पहले हमने ये चीज़ें उसकी चेक करनी है कि ये चीज़ें ठीक हैं। उसके बाद है ट्रीटमेंट, मल्टी मॉडल। मल्टी मॉडल में क्या है कि इसमें मल्टीपल ऑप्शन हैं हमारे पास, कौन कौन से ऑप्शन है, सर्जरी ऑप्शन है, कंट्रोल ऑफ पल्स डिजीज। अगर जो ट्यूमर है उसका साइज अच्छा खासा बड़ा है तो हम उसकी डीबल्किंग सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है। उस ट्यूमर का साइज जो है उसको रिड्यूस करने के लिए हम सर्जरी कर सकते हैं, उसको बोलते हैं डीबल्किंग सर्जरी। उसके बाद कीमोथेरेपी, कंट्रोल ऑफ माइक्रोमेटास्टेसिस, माइक्रोमेटास्टेसिस को कंट्रोल करने के लिए हम कीमोथेरेपी दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड ऑप्शन है ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए रेडिएशंस। ट्यूमर्स नॉट वेरी रेडियो सेंसिटिव, यानी कि ट्यूमर जो रेडियो सेंसिटिव नहीं है उसके लिए, सो दिस यूजली रिजर्व्ड फॉर पैलिएशन, ठीक है, या ये पैलिएशन थेरेपी के लिए जो रेडिएशन होती हैं उसको रिजर्व रखा जाता है। बाज़ औक़ात कीमो और रेडियो को मिक्स करके यूज़ किया जाता है, ठीक है। बाज़ औक़ात इन तीनों ट्रीटमेंट लाइंस को मिक्स करके यूज़ किया जाता है, बाज़ औक़ात कीमो अकेली यूज़ की जाती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है ऑन्कोलॉजिस्ट के ऊपर कि वो कौन सा ट्रीटमेंट उसके लिए एडवाइस करेगा, उसके यानी कि ट्यूमर की स्टेज के ऊपर और उसके साइज के ऊपर वो अपनी जो ट्रीटमेंट लाइन होगी उसको एडवाइस करेगा। सर्जरी में क्या है, रिमूवल ऑफ ऑल ग्रोस ट्यूमर्स विद वाइट more than 5 cm margins in block and biopsy site through normal tissue planes is required. इसमें सर्जरी में क्या करना है कि वो जो ट्यूमर है उसको हमने रिमूव करना है, ठीक है, और उसके साथ साथ जो नॉर्मल टिश्यूज हैं 5 सेंटीमीटर तक नॉर्मल टिश्यूज भी उस रिमूव कर दूँ, और जो कुछ नॉर्मल टिश्यूज हैं उनकी भी हमने बायोप्सी करनी है कि नॉर्मल टिश्यूज तक ये जो ट्यूमर है आगे नॉर्मल टिश्यूज तक नहीं फैला हो, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर डिपेंड्स ऑन द ट्यूमर लोकेशन। अब ट्यूमर की जो लोकेशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर किया जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ट्यूमर जो है वो मेरे हैंड के ऊपर है, उसके लिए जो सर्जिकल ऑप्शन होगा वो और होगा, ठीक है। एक जो ट्यूमर है स्पाइन के ऊपर है, उसके लिए सर्जिकल ऑप्शन कोई और होगा। एक ट्यूमर जो है वो हिप जॉइंट का है या स्कल का है, उसके लिए सर्जिकल ऑप्शन कोई और होगा। टाइप ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर डिपेंड ऑन द ट्यूमर लोकेशन, ट्यूमर की लोकेशन क्या है, किस जगह पे है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा साइज, ट्यूमर का साइज क्या है, एक्स्ट्रा मेडुलरी है या इंट्रा मेडुलरी है, एक्स्ट्रा मेडुलरी एक्सटेंट है या नहीं है, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ डिस्टेंट मेटास्टेटिक डिजीज, डिजीज ऑलरेडी मेटास्टेसाइज हो चुकी है या नहीं हुई,
पेशेंट की एज क्या है, स्केलेटल डेवलपमेंट कैसी है, एंड लाइफस्टाइल प्रेफरेंस कैसी है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसीजर किया जाएगा, कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर करेंगे, ठीक है। उसके बाद है लिम्ब स्पेयरिंग, कि लिम्ब को स्पेयर करना है या नहीं करना, अगर किसी अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब के आपको ट्यूमर है, एम्पोटेशन करनी है या नहीं करनी, इसको डिसाइड करना है। मेटास्टेटिक साइट मस्ट ऑल्सो बी रिसेक्टेड, जो मेटास्टेटिक साइट है उसको भी रिसेक्ट करना है। इफ और व्हेन रिलैप्स, अगर रिलैप्स हो गया यानी कि एक दफ़ा हमने ट्रीट किया, ट्रीट करने के चार साल बाद पेशेंट दोबारा आ गया, या दो साल बाद या एक साल बाद पेशेंट दोबारा आ गया कि दोबारा ये वाला मसला हो गया, किसी और जगह का मसला हो गया, रिट्राइवल थेरेपी मस्ट इंक्लूड रिसेक्शन। जब वो दोबारा आएगा, ठीक है, तो हमने उस टाइम पे रिसेक्शन लाजमी करनी, रिट्राइवल थेरेपी मस्ट इंक्लूड रिसेक्शन। उसके बाद बात करते हैं कीमो की। बल्क डिजीज इज कंसिडर्ड वट एवर कीमोथेरेपी रेजिस्टेंट, ठीक है, डिजीज़ के हिसाब से। हाँ, अगर डिजीज़ जो है वो ज़्यादा पूरी बॉडी में फैल चुका है तो उस टाइम पे हमारे पास जो ऑप्शन होता है, हम पूरी बॉडी को एक्सरसाइज नहीं कर सकते, पूरी बॉडी को सर्जिकली रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। अगर पूरी बॉडी के अंदर जो ट्यूमर है वो फैल चुका है, यानी कि लंग्स में भी उसकी मेटास्टेसिस होगी या लीवर में भी होगी या ठीक है बॉडी के किसी और पार्ट में भी होगी, तो उस टाइम पर हम पूरी बॉडी को रेडिएशन से एक्सपोज नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक पोर्शन को भी रेडिएशन से एक्सपोज कर सकते हैं। तो जब जो डिजीज़ है उसका साइज़ जो है वो इतना बड़ा हो गया, तो उस टाइम पे हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो कीमोथेरेपी। सब क्लिनिकल मेटास्टेसिस आर सेंसिटिव टू कीमोथेरेपी, अगर सब क्लिनिकल मेटास्टेसिस है और भी उसके क्लिनिकल फीचर्स नहीं आए, तो वो कीमोथेरेपी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेगी। मोस्ट एक्टिव एजेंट्स इंक्लूड, इसमें कौन कौन से एजेंट्स होते हैं, एड्रियामाइसिन, सिस्प्लाटिन, हाई डोज मेथोट्रेक्सेट, आइफोसा, फॉर्माइड, इटोपोसाइड, बेस्ट एंड शेड्यूल ऑफ कीमोथेरेपी अनक्लियर, यानी कि बेस्ट कौन सी है और इसका क्या शेड्यूल होता है इस काम के लिए, अभी तक जो कीमोथेरेपी का जो शेड्यूल है या कौन सी बेस्ट होगी ये अभी तक अनक्लियर है। रोल ऑफ इंटेंसिफिकेशन आफ्टर लोकल कंट्रोल अनक्लियर, यानी कि कितनी इंटेंस कीमोथेरेपी देनी है, ठीक है, जब हमने लोकली उसको कंट्रोल कर लिया, इसका भी अभी तक हमें कोई क्लियर पता नहीं है, क्लियर कट अंदाज़ आइडिया नहीं है। इम्यून मॉड्यूलेटर्स अंडर स्टडी, इम्यून मॉड्यूलेटर्स जिस पेशेंट को कीमोथेरेपी दे रहे हैं उसको इम्यून मॉड्यूलेटर्स देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, इसके ऊपर भी अभी तक स्टडी चल रही है। रोल ऑफ एडजुवेंट कीमोथेरेपी आफ्टर ट्रैकोटोमी फॉर रिकरेंट डिजीज अनक्लियर, ठीक है, यानी कि कीमोथेरेपी को ट्रैकोटोमी के साथ कंबाइन करके यूज़ करने का जो रोल है वो भी अभी तक अनक्लियर है। ट्रैकोटोमी का मतलब क्या है कि इन बिटवीन द लिप्स हम एक कट देंगे और उसके थ्रू हम स्कोप डालेंगे, प्लियरोस्कोप उसको बोलते हैं, और हम देखेंगे कि चेस्ट के अंदर कोई मेट्स हुए हैं तो उसने कितना उसको इन्वॉल्व किया होगा, ठीक है, यानी कि चेस्ट की कंडीशन को देखने के लिए हम ट्रैकोटोमी करते हैं। तो रोल ऑफ एडजुवेंट कीमोथेरेपी आफ्टर ट्रैकोटोमी, यानी कि ट्रैकोटोमी करने के बाद कीमोथेरेपी को एडजुवेंट करने का जो रोल है वो भी अभी तक अनक्लियर है। लास्ट में हमारे पास आ जाती है कॉम्प्लिकेशंस, लेट इफेक्ट्स ऑफ द थेरेपी, कॉम्प्लिकेशंस का सर्जिकल फंक्शनल आउटकम ऑफ लिम्ब सल्वेज वर्सेस एम्पुटेशन अंडर स्टडी। सल्वेज का मतलब होता है कि कोई हमने कीमोथेरेपी दी है, ठीक है, या कोई हमने कोई ट्रीटमेंट ऑप्शन अप्लाई किया है, अप्लाई करने के बावजूद वो फेल हो गया, ठीक है। फंक्शनल आउटकम ऑफ लिम्ब सल्वेज वर्सेस एम्पुटेशन, इस ये भी अभी तक अंडर स्टडी है। कीमोथेरेपी एंथ्रासाइक्लिन इंड्यूस्ड कार्डियोमायोपैथी, यानी कि अगर कीमोथेरेपी देंगे एंथ्रासाइक्लिन जो ड्रग है उसको अगर हम यूज करवा रहे हैं तो उसकी वजह से पेशेंट कार्डियोमायोपैथी की वजह से साथ आ सकता है, यानी कि पेशेंट को कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। मे अराइज 15 प्लस ईयर्स आफ्टर थेरेपी, यानी कि थेरेपी के 15 साल बाद तक ये वाली जो प्रॉब्लम है इसके रिस्क जो होते हैं वो इंक्रीज रहते हैं, यानी कि 15 साल बाद तक भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद है सिस्प्लैटिन इंड्यूस्ड ऑटोटॉक्सिसिटी, अगर सिस्प्लैटिन जो कीमो हम अगर उसकी कीमो लगाएं उसकी वजह से ऑटोटॉक्सिसिटी यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकती है, सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है, एंड
renal toxicity. Ifosfosfamide induced renal tubular dysfunction. यही वजह थी कि इसकी अगर इफोस्फोस्फामाइड यूज करेंगे तो उसकी वजह से रिनल ट्यूबुलर डिस्फंक्शन हो सकता है. तो हमने क्या किया था कि प्री ट्रीटमेंट असेसमेंट की थी, उसमें हमने चेक किया था कि पेशेंट का जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट तो नहीं है कहीं, उसका ऑडियोग्राम हमने करवाया, उसका एक यूरिया क्रेट जो था उसको हमने देखा, उसकी इकोकार्डियोग्राफी हमने करवाई. ठीक है, क्यों करवाई थी कि एंथ्रासाइक्लिन अगर यूज करेंगे तो कार्डियोमायोपैथी हो सकती है. अगर पेशेंट को ऑलरेडी कार्डियोमायोपैथी या कोई भी हार्ट का इशू चल रहा होगा तो हम इस वाली एंथ्रासाइक्लिन जो ड्रग है इसको हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, उसके बाद सिसप्लैटिन इंड्यूस्ड ऑटोटॉक्सिसिटी एंड रिनल टॉक्सिसिटी. अगर पेशेंट को ऑलरेडी ऑटोटॉक्सिसिटी यानी कि कानों का कोई इशू चल रहा है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है, या पेशेंट को ऑलरेडी कोई किडनी इम्पेयरमेंट चल रही है, उसके अंदर अगर हम सिसप्लैटिन प्लेटिनम अगर यूज करते हैं तो पेशेंट की वो जो कंडीशन हो गई रीनल डिसफंक्शन की या हियरिंग इम्पेयरमेंट की, वो और ज़्यादा वर्स हो जाएगी. पेशेंट का जो प्रॉब्लम होगा वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा. इसी तरह इफोस्फोस्फामाइड में रीनल ट्यूबुलर डिसफंक्शन है, अगर पहले से कोई किडनी का इशू चल रहा होगा तो उसका जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा वर्स हो जाएगा. ठीक है जी, अब तक ना हो कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप पूछ सकते हैं.